सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आपको ये इफेक्ट करने के लिए पहले अपना काइनमास्टर ओपन कर लेना है और अपना क्लिप को ऐसे एडजस्ट कर लेना है जैसे मैं क्रॉप कर रहा हूँ। तो इधर आपको आपका स्कोप ओपन होने के पहले ट्रिम करना है, फिर स्कोप ओपन हो जाने के बाद जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है स्कोप ओपन होना, इधर यहाँ पे आपको इधर आपको एक स्प्लिट एंड इंसर्ट अ फ्रेम ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। तो इधर क्या होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा, तो वो भी मैं बाद में दिखा दूँगा कैसे क्या करना है। तो इधर मैं अपना क्लिप पहले ट्रिम कर लेता हूँ। इधर आपको आपका क्लिप ट्रिम करने के बाद ऐसे ही रहने देना है, प्रोजेक्ट्स अभी सेव मत करना। उसके बाद एक ऐप है बैकग्राउंड इरेजर करके, तो उसको आपने फ़ोन में ओपन कर लेना है। उधर से आपने जो क्लिप उधर सेव किया था उसको काइनमास्टर के फोल्डर में मिल जाएगा कैप्चर करके, तो इधर आपको उसको ट्रिम कर लेना है। और इधर ऐसे ट्रिम कर लेने के बाद आपको जो साइड का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो ऐसे करके रिमूव कर लेना है। तो इधर मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ और इधर मैं वीडियो थोड़ा सा स्किप करके और फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्रॉप कर लेना है, फिर इसको सेव कर लेना है और फिर काइनमास्टर में एक न्यू वो जो पहला वाला प्रोजेक्ट था उसको ओपन करके मैं जैसे कर रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है। और इधर स्कोप ओपन होने के पहले इधर एक आपको मार्क लगा लेना है और इधर आपको वो जो इरेज करके रखा है वो वाला क्लिप को ऐसे लगा लेना है और एकदम स्कोप ओपन होने के वक्त जैसा दिखता है पूरा वैसे पूरा आपका क्लिप को एडजस्ट कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। वो देखो पूरा ट्यूटोरियल और ये जो क्लिप है इसका इन एनिमेशन में जाके पॉप अप कर लेना, तो ऐसे एक एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा कि नीचे से ऊपर ओपन हो रहा है। जैसे मैं अपना क्लिप को एडजस्ट करूँ ऐसे आपको कर लेना है, तो ऐसे एक एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है और वो क्लिप जो था उसको फिर से ऐड कर लेना है इधर, और उसके ऊपर लेयर में जाके इधर आपको एक इफेक्ट डाउनलोड कर लेना है नियॉन एज करके, उसका जो सेकेंड पार्ट है नियॉन एज जूम करके उसको आपको इधर अप्लाई कर लेना है। और मैं जो सेटिंग्स इधर रख रहा हूँ आपको वैसे ही रखना है, कुछ एक्स्ट्रा मत करना तो फिर गलत हो जाएगा। और इधर आपको आपका ये स्पीड को स्प्रेड जो है इसको आप 40 या फिर 30 रख सकते हो, तो मैं इधर 30 रख रहा हूँ। और एज को वो कुछ मत करना, जूम को ज़ीरो कर देना पूरा, HDR को भी एडजस्ट कर सकते हो अपने क्लिप के हिसाब से। तो इधर सब कुछ कर लेने के बाद आपका एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, फिर आपको अपना पुराना जो प्रोजेक्ट था उसको फिर से ओपन कर लेना है और लेयर में जाके इसको जो अभी एक्सपोर्ट किया हूँ वो वाला इफेक्ट को इधर इंपोर्ट कर लेना है लेयर में, और फिर जाके इसको ट्रिम करके एडजस्ट कर लेना आपके क्लिप में जितना जितना है, और इसमें जाके ब्लेंडिंग को स्क्रीन रख लेना है। स्क्रीन रखने के बाद क्या होगा, वो जो नियॉन जो इफेक्ट है वो आपके स्कोप के ऊपर डुप्लीकेट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ इफेक्ट दिखने को मिलेगा। तो हमारा ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है, तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।